से चला गया। कैसे चल रहा काम? शुरू हुआ है फाउंडेशन, तो शुरू हो गया बिल्डिंग का काम। बिल्डिंग काम शुरू हो गया, बिल्डिंग शुरू हुआ फाउंडेशन। वो फ्लोर प्लान फाइनल कर गया? अभी नहीं, दो दिन और लगेगा। अब एक्चुअल फिगर आया है तो लेआउट फाइनल हो गया। अच्छा, उसी के हिसाब से तो वो बताइए। हाँ, ऑफर अभी तो कर रहे हैं। टाइम नहीं मिला अभी, चाहिए अभी से शुरू करूँ? हाँ, अभी से शुरू कर दो बुकिंग। हमने तो मुहूर्त करके ही शुरू कर दिया था। हाँ, मैंने हो सकता है मुहूर्त से दो थोड़ी देर पहले ही एक बुक कर दिया। अच्छा, हाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो जाता तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है देखने वाले को, इसीलिए हम पंद्रह दिन से डालने के बाद ही शुरू करते हैं। हाँ, ज़्यादा है भी नहीं ना, छः तो है, छः में तो तीन ऑलरेडी बुक है, तीन ही बचे। मतलब छः ही बनेंगे? एक फ्लोर पे कितने हैं? एक फ्लोर पे कितने बनेंगे? 50% तो जितने जमीन लिया था उसी को दे दिया ना। अच्छा, वो कोलाबोरेशन में है? हाँ, 50% अच्छा, ये वैसे नहीं है कोलाबोरेशन। हाँ, तो उसने पैसे खाने क्या खाते हैं? आधे आधा तो उसी का है, आधा उसी का है, 50% उसी का है। नीचे आठ बनेंगे, नीचे को एक फ्लोर पे कितना है? दो वन बी एच के, एक टू बी एच के। अच्छा, यस सर। अंडा खा लिया? अंडा खा लिया? नहीं चला गया। चलो मम्मी बुला रही। नहीं, चलो मम्मी बुला रही। नहीं, कौन है वो? कोई शी कौन है? बुद्ध जब रहा है, हाँ, बुद्ध जब रहा है। चलो किसी दिन चल के आपके साथ देखेंगे, लेंगे मार। डायरेक्ट बाहर से? बाहर भी है, अंदर से भी है। इन्वेस्टर कौन? खुद ही इन्वेस्टर थोड़ा रेट फाइनल होगा ना। 12-13 में है, वार्ड नंबर 2 में भी है। उन्होंने 11, उन्होंने मुझसे 11 लेना है, मैं 13 में दे दूँ, 12 में दे दूँ, 14 में बात। हमारा अलग है ना, उसे नहीं अलग है। अब जैसे एक रीसेल में है 1 BHK, उन्होंने मुझसे 15 लेना है, मैं 17 दे दूँ, 18 दे दूँ। अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये कर लिया था। अब 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने में एक भी हो जाए, वो इन ये जो बहुत सारा है इनमें जो लगे रहते हैं उसमें एक ज्यादा बढ़िया है और उतना अमाउंट आ जाए। आप आज मिनिस्टर से कर रहे हो, आपने आने बात कर ली, उनको कुछ टोकन पकड़ा रखा है? बिना टोकन के भी ऐसे काम कर रहे हैं? बिना टोकन के मतलब? हाँ, अगर मेरे थ्रू आएगा वो पक्का तभी रहता है जब एक बार आपने कुछ वो तो ऐसी बात है ना, उसमें से वो भी फ्री है, हम भी फ्री है ना, वो किसी के भी थ्रू कर सकता है। हाँ, टोकन पकड़ाने में वो बाउंड हो जाता है और हम भी बाउंड हो जाते हैं टाइम के लिए, तभी तो मजा है ना। वो हमारे थ्रू भी कर सकता है, आपको बोल दिया कि ये हाँ आपको दे दूंगा मैं 12 का, लेकिन उसको कोई देर की पार्टी आ गई कोई बात नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं। उसमें फोकस तो है ना हमारा,
सारा मैटर है जो बड़ी के भी ले रहे हैं उनके पास भी उतने पैसे नहीं होते, सबके पास नहीं होते। मैक्सिमम जितने भी फोन आते हैं उनको लोन चाहिए। 1 BHK में क्या लोन मिलेगा? 5-7 लाख, 6 लाख की रजिस्ट्री होगी या 5-7 लाख की होगी। तो उस झंझट से बचने के लिए थोड़ा सा उनको भी पता है कि अगर हम इससे पंगा लेंगे तो फिर ये सब में पंगा लेगा। इसलिए वो मतलब ठीक है सर, आपने जो जरा 20-25 देकर निपटा लाख वाला तो और दूंगे, सिंपल गेम ही होता। अब हम तो उस लेवल पर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि हम अपनी स्पेसिफिकेशन को भी नहीं कर सकते। ये एक बिल्डिंग रुकवा दिया ना उसमें, किसी ने वो आर्टिकल लगा दिया बीच में इस्लाम कॉलोनी से वार्ड नंबर 3 की तरफ। हाँ, वो परेशान हो रहा है। दयाराम के पास आया था, कह रही यार किसी भी तरह मेरी तो ले करवाओ। वो कोई डॉक्टर है तो थोड़े से झंझट थे वो, तो वो भी एनसीटी वाले भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं हम पंगा नहीं लेंगे, हमारे लेवल तक इनको तुम लोग हो आर टी आर, ये नहीं है कि इसकी गारंटी नहीं है, ना पुलिस वाले की है ना एनसीटी की है। RTR किसी ने लगा दी तो वो ऊपर तक जा सकता है। रिस्क तो बहुत सारे हैं, साथ में लेके करना है। बोलो ना कि तो तभी रहेगी कुछ ना, 2-3 लीटर रुक जाए तभी बुकिंग। मेरे पास एक आता है प्रमोद, कुछ इलाके ऐसे हैं नैरोली में जिसमें आप कंस्ट्रक्शन बनाई नहीं थी तो वहाँ पे बिल्डरों को एंटर होना ही बंद कर दिया। कोई भी बिल्डर नहीं जा सकता, बनाएगा बिल्डिंग नहीं बनाएगी। तो सोसाइटी बना ली है, मेजोरिटी बना ली है। जैसे कालरा जी का था जाम है, सबसे पहले जाम है रहता था कालरा जी के मकान में। वो इन्होंने इसी पर्पज से शुरू किया था, तो 2 मंजिल पे ही जाके रोक दिया था शर्मा जी ने। उस पूरे इलाके में कोई बिल्डिंग नहीं बनती, सब मंजिल वही रोक दिया। फिर इन्होंने अपने भाई को दे दिया। ऐसे ही एक प्रमोद गुप्ता है जो मेरे पास आते हैं, उनकी बिल्डिंग में शुरू हुआ था उन्हीं के सामने। वो दयाराम जी गया उसमें, दयाराम जी बोले देखो ऐसा नहीं है कि मुझे डराने से आप मैं डरूंगा, लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि अगर मुझे दबाने की कोशिश की तो अगर मैं उठा तो चारों तरफ फिर शराफत को मत छेड़ो। तो दयाराम जी बोला कि ठीक है मैं इससे मैं नहीं बोलूँगा, आप रोक कर देते। तो दयाराम भी अपने लेवल पे एक उसकी सीमा है, जहाँ देखो अब इतना ज़्यादा ओपन हो गया है, मीडिया भी फटाफट भागता है जरा सी भी, क्योंकि उनको भी खबर चाहिए होती है। तो ये इनके भी है तो जॉब ही कर रहे हैं ना, NCD में या पुलिस में आदमी जॉब ही तो कर रहा है, चाहे कमिश्नर है या वो SHO है। तो वो उसी लेवल तक देखता है कि इस लेवल तक मामला चल रहा है ठीक है नहीं, उसके बाद वो कह देता है आप समान हो। फिर वो एक्शन वो लेता है जो उसे लेना है, दौड़ता है आगे सब कुछ करता है। फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर बनती है अगर सील लगने के बाद भी सील भी धीरे धीरे खुलवाओ। वो होते यही लोग हैं, लेकिन वो एक जो टेंशन जो क्रिएट होती है आपका, नुकसान जो होता है समय का, वो बोल रहा हूँ कि वो जो है वो चीज़ें काउंट करोगे ना। आवाज़ आपने कर ली आप बोल जी, नहीं जी 15 का नहीं है जी, अब 13 में मेरे रिलेटिव हैं तो वो बोले कि कोई बात नहीं 2-3 करोड़ रुपये हम लगाते हैं तुम शुरू हो जाओ। मैंने कहा एक तो रिलेशन मैं हो जाऊँ तो खामा खा का वो पंगा ना शुरू हो जाए, तो एक रिलेशन और खराब होता है तो मैं पीछे हो गया कंस्ट्रक्शन के काम। किसी बाहर से पैसे नहीं लगवाने तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने जितना सिस्टम बना रखा है उनके साथ मिलकर कुछ काम होता है ठीक है, नहीं तो नहीं। अपना रीसेल का काम चाहे एक हो जाए 6 महीने में हो जाए, रेंट का तो थोड़ा किराया अच्छा निकल रहा है। अब मैंने मेरा ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि रेंट का भी काम
कितने चढ़ाओगे आप? वो 11 महीने बाद ही तो खाली करेंगे। हाँ सही बात। तो सारे दिन में ढूंढते हैं 2-3, चलो महीने में एक निकल आए, नहीं तो 2 महीने में निकल आता है तो चल रहा है। बाकी सेल का भी बीस सेल वाला काम कर रहा हूँ। दयाराम जी ने 5-7 लाख रुपए का झटका दे दिया ना मुझे। लेकिन बाद में सोच कर लीजिए, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा एक दिन लग रहा है या 1-2 घंटा लगता है सोचने का कि हाँ यार ये नुकसान हो गया। अभी इस पॉसिबिलिटी में कभी निकले तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो जो है जो है गुंडागर्दी दो आदमी अपने हिसाब से रखे हैं, वहाँ कोई समस्या आती नहीं है, उसी में काम करना है, चाहे टाइम लगे उसमें फोकस है। मेरे तो 5-7 फ्लैट होते हैं सेल के भी, तो वही बोलता हूँ उन्हीं पर फोकस करता हूँ। 2-4-6 महीने लग जाएंगे और क्या है, कैश की पार्टी ढूंढनी है। लोन के भी आप झंझट थे, लोन नहीं होता। 8 महीने लगे थे डॉक्टर का लोन होने में, और उसमें मुझे सिर्फ 51,000 रुपये मिले हैं। 1.5 लाख रुपया दया राम ने अभी घपले में डाल रखा है। आप लोग और जब शुरू होते हैं कि आप लेके आओ, हम जिम्मेदार हैं। पहले आपका मिलेगा, फिर रजिस्ट्री करेंगे। माँ चुपचाप रजिस्ट्री हो जाती है, बाद में कहते हैं यार ये हफ्ते ही किराए पर रह रहा है। दया राम ने कह रखा है एक तो ये किराए पर रह रहा है, एक के मैंने 51 दे दिए आपको, आप ले लो। उसको कह रखा है आप कह दो घूमना तो मैंने किराया जा रहा है। ये है कि मैं रिलेशन खराब नहीं करता किसी से भाई, तुम्हें जो कर दिया आगे जो नहीं करना होता है। रिलेशन खराब कर दे क्या करते हैं, उसमें कुछ मिलना नहीं उसके सामने। आप क्या करते हैं कुछ नहीं करते बिल्कुल उसके सामने, लेकिन ना कुछ लीगली कर सकते हो आप बिल्कुल, कुछ सर सर खोल सकते हो अपना, मतलब वो अपने आप को ही परेशान करना है, उनको क्या होना है। जिसका जैसा नेचर है उस नेचर को आप चेंज कर सकते हो, सबको जानना है। तो हमेशा न्यू न्यू आदमी को तो पुराने कोई भी उसमें सकता नहीं है, हमेशा जो एंशियंट पीपल हैं उसको वो टारगेट करते हैं, सिंपल हर में उसको नए बंदे टारगेट करते हैं, और जो पुराने खाए पिए हैं उसके साथ सीधे सीधे बात करते हैं, एकदम सीधे सीधे सिंपल। अब मेरे को कहोगे कभी तो मेरी और कभी नहीं कोई किसी भी पॉइंट पे कभी भी कोई काम नहीं हो सकता मेरे अंदर, आराम से डायरेक्ट शुरू हो जाए। ऐसे नहीं तो पता है आदमी को अभी कुछ बोलेगा कल को कुछ बोलेगा, 1-2 घंटे बाद भी चेंज हो जाता है। हाँ। वो ये भी कह देता है कि मैंने कब काम, ये जो जिसमें ये मकान में रह रहा है, जो नया मकान बना के रह रहा है, एक किसी और ने डिले में तक उसने क्या कहा कि नहीं यार अभी पैसा नहीं, मैं नहीं 3 महीने बाद डायरेक्टली उस पार्टी से जाके उसने बैक वाला भी बहुत पले हुए थे, उसके पीछे वाली भी जमीन ली है ना सेल, उसको वही है ना कि मेरा क्या करेगा। कहाँ जा रहे हो आप? दूर से सलाम नमस्ते करो। हाँ उतना काम कहीं और करते रहो। आज घूमने चलेंगे कार में, कार में आप भी कार में घूमने चलेंगे आज?